कल जिस तरीके से घमंडिया कहा यार, ये सब लोगों को पूरे देश के लोगों को निराशा हुई है। कि प्रधानमंत्री जी कुछ जो है सही बात करेंगे, लेकिन केवल जो है विपक्ष निशाना साधने से कोई बात जो है पल्ले नहीं पड़ा। देश हित में जिस प्रकार से बातें बतानी चाहिए थी, जो कदम उनकी सरकार को जो उठाना चाहिए था मणिपुर को लेकर, थोड़ा सा नीचे करो जो है उस हिसाब से उन्होंने कही नहीं जी। और इस तरह की बातें सीडीएफ पे लगा दोगे यार, विपक्ष को बोल रहे हैं घमंडिया या कोई अलग अलग शब्द, तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग घबराए हुए लोग, डरे हुए लोग। और जब से ये लो ना इसे कर सकता है गठबंधन बना है, हल पीटीएस ऊपर करो, पीटीएस ऊपर करो, हल्ला किया जा रहे हो कि एकता हुई है जिसकी कवायद माननीय नीतीश कुमार जी लालू जी ने पूरे तौर पे जो है शुरुआत की, जैसा बिहार में किया वैसे देश में हम लोग करते हैं। तो ये लोग डरे हुए, नतीजा वही होना है जो बिहार में हुआ वही देश में होना है। तो वो तो 28 की घबराहट की जो है आप कह सकते हैं, उनका पूरा बॉडी लैंग्वेज भी पहले से जो है बदला हुआ नजर आ रहा है। नीचे करो, कोई दम नहीं। मणिपुर लोग कह रहे हैं कि शुभ है, उन्होंने कहा कि काफी शुभ है उनके लिए, ये जो विश्वास प्रस्ताव आपने लाया है ये काफी शुभ है, फिर से लेकर आए काफी शुभ है अविश्वास प्रस्ताव। अब वो तो 2028 की बात कर रहे हैं, मतलब पहले 2028 में बोल रहे हैं कि जनता ने मूड बना लिया हम फिर आएंगे। भाई भ्रम में रहने दीजिए ना जी, क्या दिक्कत है भ्रम में रहने दीजिए। कल तक चौके छक्के की बात कर रहे थे, ये विपक्ष का गुगली उनको समझ में आएगा।